95 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से दोस्तों कितने बच्चों को बुलाया गया फिजिकल? 3 लाख बच्चों को। 3 लाख में से कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया? 1,20,000। उस 1,20,000 में तो हम थे, मेडिकल में तो हम गए, कम से कम कट के आए, इसी बात का हमें प्राप्त। तो जय हिंद दोस्तों, SSGD में कितनी वैकेंसी आने वाली है? 56,000 वैकेंसी आएगी या 24,605 वैकेंसी आने वाली है? और दोस्तों जो बच्चे 2021 वाले वैकेंसी में दोस्तों फिजिकल में अनफिट हो चुके हैं या दोस्तों मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो दोस्तों SSGD वाले हैं, जो वेट कर रहे हैं आपकी न्यू वैकेंसी की, जिनका दोस्तों वैकेंसी टोटल बताया जा रहा है, जो न्यू नोटिफिकेशन अभी सब लोग ला रहे हैं और बहन आपको बता रहे हैं कि 24,605 वैकेंसी आएगी अभी SSGD की इस बार वाली, और दोस्तों 56,000 वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है वो पुराना नोटिफिकेशन है, देन दोस्तों जो पद खाली है उसका नोटिफिकेशन है। तो हो सकता है दोस्तों कि 24,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिले इस बार SSGD में, तो ये कुछ बताया नहीं जा सकता है। जो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल में ये लोग वायरल कर रहे हैं, पुराना नोटिफिकेशन है और ये रिक्त पदों की है। तो देन दोस्तों 56,000 वैकेंसी आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देन दोस्तों 24,605 वैकेंसी आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है वैकेंसी को लेकर, आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी वैकेंसी SSGD में 1,000 भी आती है ना, और अगर आपने दम की तैयारी किया होगा तो आप उस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हो। तो वैकेंसी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी उसका आप टेंशन मत लो, 26,000 आएगी कि 24,000 आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तैयारी आपकी अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो 56,000 वैकेंसी आएगी तो आप नौकरी नहीं ले पाओगे, और अगर आपकी तैयारी जबरदस्त हुई ना तो 24,000 भी आएगी, 25,000 भी आएगी, अगर आपकी वैकेंसी 2,000 भी आएगी ना तो भी आप उसमें सिलेक्शन लेके दिखाओगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि भाई अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, ये मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, मेरा 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें दोस्तों मैं किस में कटा था, तो मैं उसमें कट गया था आपका, मेरा कट ऑफ जितना नंबर नहीं था, देन दोस्तों 2018 में मैं रिजेक्ट हो गया था। मैंने उस टाइम ठान लिया था कि देन दोस्तों इस बार मेरिट से कट गए हैं, लेकिन दूसरी बार मेरिट से नहीं कटेंगे, दूसरी बार इतनी मेहनत करेंगे कि मेरिट से तो ऊंचा ही नंबर रहेगा। देन दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा अपने हिसाब से जो तैयारी कर सकता मैंने तैयारी की, और देन दोस्तों SSGD की फिर एक वैकेंसी आई जिसमें दोस्तों आपके भाई ने 39 स्कोर करने वाला लड़का स्कोर किया 74। आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड ये रहा, इतना स्कोर मैंने किया था। देन दोस्तों मोटिवेशन, एक अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है। देन दोस्तों जो बच्चे इस बार फिजिकल में कट गए या मेडिकल अनफिट हो गए, देखिए मेडिकल में मैं भी अनफिट हो चुका हूं, मेहनत मैंने भी की थी, आप लोग अभी फिट अनफिट हुए होंगे, मैं मतलब नेक्स्ट साल से ही, नेक्स्ट बार मेरिट में कट गया, आपकी बार मेडिकल अनफिट हो गया, एक नहीं कितनी वैकेंसीज में कटा हूं, ITBP वाली वैकेंसी में कटा हूं, ओडिशा पुलिस की वैकेंसी में कटा हूं, फायरमैन वाली वैकेंसी में कटा हूं, आर्मी में दो दो बार दोस्तों रिजेक्शन हुआ है, दो दो बार रिजेक्ट हो गया हूं। पर दोस्तों ये जितने भी रिजेक्शन में लाइफ में 5 से 6 7 8 भर्ती में मैं कट चुका हूं, जितने भी लाइफ में रिजेक्शन आए, CRPF वाली में मैं भी कट गया था, तो जितने भी लाइफ में रिजेक्शन आए, SSC में 2 बार मैंने दिया था, जनरल कैटेगरी से हूं तो 2 ही बार मेरे को मौका मिला, देन दोस्तों दोनों बार मैं कट गया, एक बार मैं दोस्तों मेडिकल में अभी मेरे को फिर से हटा दिया गया। तो इससे क्या मेरा मोटिवेशन कम हो गया? नहीं। अगर दोस्तों आज भी SSC एज में रिलैक्सेशन देता है तो आपका भाई आपको चैलेंज देके बोलता है कि इस बार मैंने 74 स्कोर किया था ना, अगर मुझे फिर मौका मिलेगा ना तो मैं 84 स्कोर करके दिखाऊंगा। क्यों? ये एक सेल्फ मोटिवेशन और जिद है आदमी के अंदर कि नहीं, इस बार जितना भी कम हुआ नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारना है। जो भी कैंडिडेट है जो SSGD में आपकी बार मेडिकल अनफिट हुए हैं, क्या दोस्तों ऐसे कितने कैंडिडेट है ना जो 2018 में मेडिकल अनफिट हुए थे, डी मेडिकल में अनफिट हुए थे, लेकिन दोस्तों आपकी बार 2021 में फिट हुए हैं और देन दोस्तों उनको अभी जॉइनिंग लेटर आएगा। क्यों? ये किसी किसी किस्मत भी होता है, किसी किसी का जिद भी होता है। आप देखिए दोस्तों मेरा किस्मत खराब था, देन मेरा आंख ठीक होते हुए मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका किस्मत अच्छा था उसका आंख कान सब खराब था फिर भी वो फिट हो गया है। तो किस्मत भी होता है और दोस्तों एक मेहनत भी होता है। कहते हैं सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है मेहनत। जो आपने मेहनत किया है ना, अगर आपने मेहनत दमदार किया तो आपका किस्मत भी जरूर चमकेगा। फेल होते रहिए ना, क्या दिक्कत है, एक बार भगवान को भी शर्म आएगा ना कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है हम उसको फल नहीं दे रहे। तो मेहनत में कभी हार नहीं माना। जो भी बच्चे SSGD आपके बार मेडिकल अनफिट हुए, मुझे पता है दुख तो लगा ही होगा, मैंने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। एक तो दिन भर पढ़ना, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी नहीं होना, और देन दोस्तों जो हार्ट में जो दुख होता है वो दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसी दुख को आपको हथियार बनाना है। एक चीज याद रखिएगा, खान सर बोलते हैं हथियार चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाला सक्षम नहीं है तो वह हथियार का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपके पास हथियार है और आपका पढ़ाई है। जो लोग आपको बोलते हैं कि बिजनेस करो, पैसा कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, मैं आपको सिंपल बात बता दूं, उन लोगों को आप एक चीज बोलना, ना मेरे बाप के पास उतना पैसा है, ना मेरे पास धन दौलत है, ना मैं बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करता हूं, ना मेरे पास बिजनेस करने को पैसा,
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरा बुक, मेरा पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, जिसके थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज दोस्तों अगर आप सब कुछ सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करना शुरू कर देते हो ना, तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। दोस्तों भले आपका कुछ में आप छट जाओ अलग बात है, लेकिन आप पढ़ाई में नहीं छटोगे। ये मेरे को एक चीज का घमंड है अपने अंदर कि मैं कुछ में भी दोस्तों फिजिकल में नहीं छटा, मेडिकल में छटा, लेकिन दोस्तों मैं मेरिट में नहीं छटा। क्योंकि अब की बार आपका ओडिशा कट ऑफ कितना गया था, 34। फाइनल कट ऑफ कितना जाता, 54 कितना जाता, मैंने स्कोर किया था 74। देन दोस्तों मेरे को जिद था अंदर में कि अब की बार अगर फिर से एज रिलैक्सेशन हुआ और एसएससी जीडीओ मुझे फिर मौका मिला, तो मैं आपको चैलेंज ठोक के बोलता हूं कि मैं 84 स्कोर करके दिखाऊंगा। मेहनत भी होता है दोस्तों, कहते हैं आदमी अगर मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। तो आपके मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आपको बस मेहनत करते जाना है। आज तक मैं छोटे छोटे भर्तियों में कटा हूं, देन दोस्तों अब की बार मैं थाना में ऑफिसर के लेवल की भर्ती में जाऊंगा, देन दोस्तों क्लियर करके दिखाऊंगा, सीपीओ, सीजीएल, कुछ ना कुछ तो दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर, कुछ ना कुछ तो बनके दिखाऊंगा। हार नहीं मानूंगा कभी अपने लाइफ में, मेरे अंदर वही है, गिरा उठे चलते रहे, लेकिन कभी अपने लाइफ में हार नहीं मानी। कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गिरे संभलते रहे अपने आप को, उठते रहे आगे बढ़ते रहे, लोगों ने पत्थर भी मारे, मुंह भी फटा, फिर गिरे, फिर उठे, फिर संभलते रहे, लेकिन हार नहीं मानी लाइफ में। और दोस्तों उसी का हार ना मानने का नतीजा ये है कि आज नॉलेज इतना अच्छा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मन में जो जिद है ना वो जाग चुकी है कि हाँ अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वैकेंसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि जो वैकेंसी के लिए बच्चे रो रहे कि 56,000 वैकेंसी आएगी, कि दोस्तों आपकी 24,000 वैकेंसी आएगी, मैं बता दूं 56,000 भी आएगी तो आप एक सिलेक्शन लेके जाओगे, 24,000 भी सीट आएगी तो आप सिलेक्शन लेके दिखाओगे। कितनी वैकेंसी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नौकरी लेके दिखाओगे, ये आपके भाई का वादा है। बस दोस्तों अपने तैयारी में कोई भी कमी मत रखना, जो भी मैंने शेड्यूल बताया टाइम टेबल, अगर इतना टाइम अपने लाइफ में आप एजुकेशन को दे देते हो ना, तो मैं गारंटी देके देता हूं ये एजुकेशन भी आपको सिलेक्शन लेके दिखाएगा। बस दोस्तों आपको उतना टाइम देना पड़ेगा अपने एजुकेशन को, घर द्वार, गर्लफ्रेंड, लड़की बड़की सबका चक्कर हटाओ, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि आज अगर आपने मेहनत कर लिया तो कल आप दोस्तों अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि दोस्तों आपको जब रियलाइज होगा कि इतने सारे बच्चों में मैं सिलेक्शन लेके आया हूं, मेरी नौकरी हुई है, देन दोस्तों वो जो मूवमेंट रहेगा ना, वो आई सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा। अब जो बता दूं, जो इस बार रनिंग में कटे थे ना, उनके लिए भाई एक ही चीज बता दूं, जब भी आप रनिंग में कट रहे हो तो अपने बाप माँ का नाम याद करो, सोचो आपका बाप कितना मेहनत करता है आपके लिए, आपकी माँ कितनी आपके लिए मेहनत करती है। और जब उस चीज को रियलाइज करोगे तो अपने आप आपके अंदर ताकत आएगी, अपने आप एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे, फिजिकल भी क्वालिफाई करोगे, मेडिकल भी क्वालिफाई करोगे, देन नौकरी भी लेके जाओगे, अपने देश के नाम रोशन करोगे। जय हिंद जय भारत। बस वीडियो बनाने का यही पर्पस था, जो डीमोटिवेट हो गए हैं बच्चे लोग कि वैकेंसी कितनी आएगी, हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, नेक्स्ट टाइम लोग कट गए थे, इस बार हम लोग कर पाएंगे नहीं, कर पाएंगे दोस्तों, मौका मिलेगा तो हम चौका भी मार के दिखाएंगे, ठीक है। बस दोस्तों हार नहीं मानेंगे, अगर आप मुंह से बोलोगे ना तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन आप अगर करके दिखाओगे, आपका सक्सेस बोलेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा, और आपको सुनाना है लोगों को, ठीक है। मेरे को भरोसा है आपके ऊपर, आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जान लगा दो या फिर जाने दो कि थ्योरी पे आपको काम करना है। जय हिंद जय भारत। मैंने हार नहीं मानी है, मैं लड़ रहा हूं लाइफ के साथ, आपको भी लड़ना है मेरे साथ, चलते रहिए और हम लोग जरूर एक दिन सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, देन दोस्तों अगर मुझे चाहो तो आप इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और देन दोस्तों वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही आपको बताता हूँ छाती ठोक के कि वैकेंसी कितनी भी आए, बस दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, बस आपको नौकरी लेनी है, और ये आपके ऊपर है कि आपको नौकरी लेनी है। एक वैकेंसी भी आएगा ना, जिद होगा, तैयारी होगी, तो आप नौकरी लेके जाओगे। जय हिंद जय भारत।